Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 6th computer, chapter number 2, part 1. Here we will understand the Windows 7 and its features. Now in the chapter number 2 we will learn introduction to Windows 7. So in this chapter our learning objectives are: first, operating Windows Media Player, ripping and burning of disk means DVD or CD, two windows exhibited at the same time in Windows 7 means एक ही टाइम पे दो विंडो पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं वो. सर्च इन पिक्चर्स फोल्डर्स, डिस्क क्लीनअप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडो 7. So first we will understand the introduction of this Windows 7. For everyday applications and entertainment, Windows offer a great number of utility programs known as accessories. These programs are Notepad, Windows Media Player, Sound Recorder, System Tools, Calculator and many more. Means हम daily life में बहुत सारी applications use करते हैं, some for work, some for entertainment. और इन बहुत सारी applications में से कुछ जो main applications use हम every time करते हैं, means in our day we apply some applications. So the program is Notepad, Word, Window Media Player, like हम movies देखते हैं, Sound Recorder, voice record करते हैं, System Tools use करते हैं, Calculator means किसी चीज़ की calculations करते हैं तो हम calculator use करते हैं, and many more. So first we will understand the Window Media Player. The audio and video digital media files available in the computer are run organized by the Windows Media Player, and internet connection can give the listener access to radio stations all over the world. Means internet ke through hum kahin se bhi apne songs ko sun sakte hain, apni movies ko dekh sakte hain. Isme audio aur video dono hi files run hoti hain. We can play, create and copy CDs, DVDs through this software. हम अपनी जो ब्लैंक सीडी है उसमें अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मूवीज़ उनको प्ले कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉपी म्यूज़िक एंड वीडियोस थ्रू द सॉफ्टवेयर ऑन अ पोर्टेबल डिवाइस. मींस कहीं और से डाउनलोड कर सकते हैं, हम सॉन्ग्स को कॉपी कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं. नाउ द रिपिंग एंड बर्निंग ऑफ सीडी or DVD. The window media player can help us copy songs from our favorite CDs and DVDs onto computers. When we copy songs from CD to our computer, we are said to be ripping music. जब हम copy करते हैं कहाँ से, किसी CD से किसी computer में कोई भी song या फिर movie हम सीडी से कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, इसे कहते हैं हम रिपिंग म्यूज़िक. रिपिंग म्यूज़िक एंड वी कैन यूज़ विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू हियर द सॉन्ग्स आफ्टर वी हैव कॉपीड देम टू अ कंप्यूटर, विच हेल्प अस टू इवन ऑर्गेनाइज द सॉन्ग, प्रिपेयर अ प्लेलिस्ट एंड कॉपी म्यूज़िक टू अनदर पोर्टेबल डिवाइस. हम यहाँ पे क्या करते हैं, गाने सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और के अदर कंप्यूटर्स पे भी हम भेज सकते हैं. अब हम यहाँ पे मींस करते कैसे हैं वो प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो स्टार्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, जो लिस्ट आती है आपकी. पिक विंडोज़ मीडिया प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट. Insert audio CD into the CD drive. CD drive में आप CD डालेंगे. A list of songs sorted on that CDs can then be seen on the screen. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसी टाइप से आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे
लिस्ट आ जाएगी सॉन्ग्स की। टिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द सॉन्ग दैट यू डू नॉट वांट टू रिप। वो सॉन्ग सिलेक्ट कर देने हैं जिस सॉन्ग को आप नहीं चलाना चाहते हैं। द चेक बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट कैन बी सिलेक्टेड टू क्लियर ऑल द चेक बॉक्स एंड एट वन गो। आप यहाँ पे ये आई थिंक मिस प्रिंट है बुक में, आपको सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स चेक करने हैं, और अगर आप टॉप में चेक कर देते हैं तो ऑल द सॉन्ग्स विल बी सिलेक्टेड। द रिप क्लिक ऑन द रिप सीडी बटन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सॉन्ग एंड देन आप क्या करेंगे, रिप सीडी पे क्लिक करेंगे। द रिप स्टेटस ऑफ ईच सॉन्ग कैन बी सीन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिपिंग प्रोसेस। और जैसे ही एक एक सॉन्ग कॉपी होता चला जाएगा वैसे आपके स्टेटस पे भी वो दिखने लगेगा। इन ऑर्डर टू चेंज द फॉर्मेट एंड ऑडियो क्वालिटी ऑफ रिपिंग म्यूजिक फाइल यू कैन क्लिक द रिप सेटिंग बटन। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है कि पहले कौन सा रिप होगा उसके बाद कौन सा रिप होगा, तो भी आप रिप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। ऑल द सॉन्ग्स आर देन रिप्ड टू द विंडो मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी, गो टू द लाइब्रेरी टू प्ले दैम। मीन्स आप लाइब्रेरी में जाके उनको रिप कर सकते हैं और वहाँ पे जो सेव लिस्ट सेव होती है उसके थ्रू आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। कॉपिंग एंड बर्निंग अ सीडी, अब हम बर्निंग अ सीडी। It is easy to save information on a CD or DVD just like on a hard disk. जैसे आप हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करते हैं वैसे ही CD और DVD में होता है। A DVD or CD can be created by choosing a folder of media files or software and pulling it to the CD DVD icon in the computer folder. See, an audio play dialog box appears after the CD is inserted. जैसे ही आप CD सिस्टम में इंसर्ट करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। क्लिक द बर्न फाइल्स टू डिस्क यूजिंग द ऑप्शन ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर। मीन्स आप वो फाइल बताइए जिनको बर्न करना चाहते हैं, मीन्स कॉपी करना चाहते हैं। अ डायलॉग बॉक्स बर्न अ डिस्क अपीयर, राइट द डिस्क सीडी नेम इन द डिस्क टाइटल। अब क्या करना है, आपको अपनी सीडी का कुछ ना नाम देना होगा। जैसे आप फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसे ही आप सीडी में टाइटल देंगे, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा उसमें आप टाइटल देंगे, देन क्लिक टू द नेक्स्ट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर एन एम्प्टी सी डिस्क फोल्डर ओपन्स, ड्रैग ऑल द फाइल्स चूजन टू बी बर्न इनटू द फोल्डर। अब यहाँ पे जो फोल्डर ओपन होगा एक एम्प्टी फोल्डर होगा, उसमें आप अपनी फाइल्स को ड्रैग कर सकते हैं, मीन्स कॉपी करके लेके आ सकते हैं। क्लिक ऑन द बर्न टू डिस्क ऑन द टूल बार एंड फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड इन द विजार्ड। और आप उनको क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द बर्न टू डिस्क मीन्स आपको क्लिक करना है बर्न टू डिस्क, यहाँ पे लिखा है ऑन द टूल बार, टूल बार में लिखा होता है। फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड इन द विजार्ड और फिर उसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी सिस्टम पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। Then two windows exhibited at the same time in window 7. एक ही टाइम पर दो विंडो को कैसे हम खोल के वर्क कर सकते हैं, विंडो 7 के इस फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। टू एप्लीकेशन विंडोज़ कैन बी एग्जिबिटेड साइड बाय साइड, एक दूसरे की साइड में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट PPT program can be opened by the one. The picture shows that the PPT window is active. See, in this image you can see in the display that PPT is open and it is active because the color it is dark blue. राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार, अगर आप यहाँ टास्क बार में
ब्लैंक पोर्शन में क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू चूज द ऑप्शन टू शो विंडो साइड बाय साइड। आप टूल बार में जाके, टास्क बार में जाके वहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि विंडो कैसे शो होनी है साइड बाय साइड। दस बोथ द एप्लीकेशन विंडोज़ विल बी एग्जिबिटेड साइड बाय साइड, और ये दोनों विंडोज़ अलग अलग दिखने लगेंगी। सर्चिंग पिक्चर फोल्डर, अब हम पिक्चर फोल्डर को कैसे सर्च करते हैं। डिजिटल फोल्डर्स, इमेज एंड ग्राफिक्स फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन द पिक्चर फोल्डर। पिक्चर फोल्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने आपको पिक्चर्स दिख रही हैं लाइब्रेरी में। ये एक डिजिटल फोल्डर है जिसमें आप अपने ग्राफिक्स को रख सकते हैं स्टोर करके। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आप सिंपल प्रोसेस अपनाएंगे स्टार्टिंग से। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द पिक्चर्स ऑप्शन टू द फोल्डर। पिक्चर्स कैन बी सीन एज द थंबनेल्स इन द पिक्चर लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट। थंबनेल मींस ये जो लुक इनका दिख रहा है उसको हम कहते हैं थंबनेल, उसको एक आइकन बन के आपके सामने आ जाता है। ऑर्गेनाइज, शेयर विद द स्लाइड शो एंड न्यू फोल्डर एक्सेट्रा। बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द बार ऑन द टॉप ऑफ थंबनेल्स। आप इनको अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं और इनको यहीं से शो कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू शो स्लाइड शो तो ये स्लाइड शो हो जाएंगे, यहाँ से आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। इन द पिक्चर्स फोल्डर और एनी अदर फोल्डर पर्सनलाइज्ड एज अ पिक्चर फोल्डर, आप अपना पर्सनलाइज पिक्चर फोल्डर बना सकते हैं। वन कैन व्यू आर ओन पिक्चर्स एज आइकन ऑफ वेरियस साइजेस, और आप उनके आइकन का साइजेस भी चेंज कर सकते हैं कितना आपको देखना है उस हिसाब से। द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द चेंज योर ओन व्यू ऑन द बार अबव द थंबनेल्स कैन बी क्लिक्ड फॉर इट। राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि थंबनेल सेटिंग का होता है, और वहां से आप अपने डिस्प्ले, जो थंबनेल्स डिस्प्ले हो रहा है उसका साइज डिसाइड कर सकते हैं कि वो डिस्प्ले में आपको कैसे दिखेंगे। सेलेक्ट एनी पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन इट टू प्रीव्यू। आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको ओपन कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं प्रीव्यू के लिए। फॉर मैनेजिंग अ गुड पिक्चर व्यू देयर आर सेवरल बटन्स बिलो द पिक्चर लाइक व्यूइंग प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेज। यहाँ पे नीचे दो बटन्स मिलेंगे आपको जो आपको प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट पिक्चर शो करने के लिए दिए जाते हैं। रेशियो ऑफ पिक्चर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं उन्हें। एनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग द इमेज, वो ऑप्शन भी आपको मिलता है यहाँ पे। द पिक्चर कैन बी रन ऑन द ऑटोमेटेड मोड बाय यूजिंग द ऑप्शन ऑफ प्ले स्लाइड शो। अब प्ले स्लाइड शो ऑन करने से क्या मिलेगा, ये सारी पिक्चर्स अपने आप वन बाय वन डिस्प्ले होने लग जाएंगी। सो स्टूडेंट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। Stay safe, wait for the next class.